स्टूडेंट्स, टुडे वी आर ऑन अवर सिक्स स्टैंडर्ड जीके सब्जेक्ट। टुडे वी विल लर्न अबाउट लेसन नंबर 57, मच इन लेस। लेसन नंबर 58, लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया। लेसन नंबर 59, द ग्रेट किंग्स ऑफ इंडिया। एंड लेसन नंबर 60, वर्ल्ड सोब्रिक्वेट्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेसन नंबर 57, मच इन द लेस। समटाइम्स thoughts that come to mind are expressed so well that a proverb is coined and it is often quoted. It is not only its wisdom but also its brevity. Match the following with the list of statements explaining the proverbs given below. First, to read between the lines, uska statement hoga ऑप्शन डी, टू डिटेक्ट अ मीनिंग नॉट एक्सप्रेस्ड। सेकंड, टू टेक फ्रेंच लीव, ऑप्शन ई, टू टेक लीव विदाउट परमिशन। थर्ड, स्टील वॉटर्स रन डीप, ऑप्शन एफ, टू क्वाइट एक्सटीरियर ऑफन कंसील्स स्ट्रांग इमोशंस, कनिंग एक्सेट्रा। क्वेश्चन फोर, अ बुशमैन्स हॉलिडे, ऑप्शन जी, अ हॉलिडे स्पेंड इन एक्टिविटीज सिमिलर टू वंस वर्क। फिफ्थ, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, एच, टू ग्रैपल बोल्डली विथ डेंजर और डिफिकल्टी। सिक्स, अ वाइल्ड गूज चेस, ऑप्शन आई, any foolish or profitless pursuit. 7, to cool one's heels, option L, J, to be kept waiting for some time. 8 number, to put the cart before the horse, option B, to do one thing before another thing that you should have done first. 9, to call a spade, option A, to speak out plainly. 10th, a sporting chance, option C, a reasonable chance that something will happen. Okay students, this was our lesson number 57, much in less. Now we are on our lesson of 58, Landmarks of India. Name these famous buildings of India by using the help box. यहाँ पर आपको help box यहाँ पर नीचे दी हुई है, आप उनकी spelling reference के लिए यहाँ पर देख सकते हो. First, the picture is given, Jama Masjid. Second, this is a golden temple. Third, Somnath Temple in Gujarat. Fourth, Ajmer Sharif Dargah, जो राजस्थान में है. Fifth, Belur Math. Sixth number, Konark Sun Temple. Eighth, Hawaii Mahal. Eighth, Sher Shah Tomb. नाइन्थ नंबर, राजीव गांधी सीलिंग, वरली सीलिंग इस नाम से भी उसे जानते हैं, जो मुंबई में है. टेंथ, चार मीनार. इलेवन, दिस बिल्डिंग इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो न्यू दिल्ली में है और कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. ट्वेल्थ, हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में. This was our lesson number 58, Landmarks of India. Then we are on our lesson number 59, The Great Kings of India. यहाँ पर आपको solve the crossword puzzle जो है उसके fill in the blanks सब लिखने हैं. यहाँ पर across question है और down है, जैसे 5, 8 और 9 across है और 1, 2, 3, 4, 6 and 7 जो down sides के. So first across, फिफ्थ नंबर का जो है, नादिर शाह अटैक दिल्ली ड्यूरिंग हिज रेन.
मुहम्मद शाह। तो नादिर शाह ने दिल्ली में जब मोहम्मद शाह बादशाह था तब अटैक किया था। एट्थ, ही लॉस्ट हिज स्वॉर्ड इन अ वॉर विद द नेहर्स ऑफ ट्रावनकोर। एट नंबर का टीपू सुल्तान, दिस पिक्चर इज ऑफ टीपू सुल्तान, मतलब मैसूर का जो शासक था उसने अपनी तलवार खो दी थी। देन नाइन्थ नंबर, द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी। जो दिल्ली सल्तनत थी उसका जो लास्ट जो रूलर था वो था इब्राहिम लोदी, जिसे मुगल एम्पायर का जो संस्थापक था बाबर, उसने इब्राहिम लोदी को हराया था और वही जो वॉर था उस वॉर को पानीपत फर्स्ट वॉर कहा जाता है, पानीपत का पहला युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था। और उसी समय इब्राहिम लोदी के मरने के बाद में मुगल्स इंडिया में आए थे। देन डाउन साइड के क्वेश्चंस, द फेमस रोड कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी, हियर ग्रैंड ट्रंक रोड मेड बाय शाह सूरी, जो अभी के अफगानिस्तान से लेकर इंडिया के कोलकाता तक वो रास्ता फैला हुआ है। सेकंड, हिज सिस्टर वॉज गुलबदन बेगम, हुमायून, सन ऑफ बाबर एंड फादर ऑफ अकबर। थर्ड, हिज रियल नेम वॉज जुना खान, अलाउद्दीन खिलजी, उसका रियल नाम जो था वो था जुना खान, और ये एक अफगानी शासक था जो बाद में इंडिया में रूल करने के लिए आया था। फोर्थ, हिज नेम स्टार्ट्स विद गियासुद्दीन, हिज नेम इज बलबन, जिसका नाम गियासुद्दीन बलबम ऐसा पूरा उसका नाम था। सिक्स्थ, हिज मदर्स नेम वॉज जिजाबाई, और वो थे हमारे शिवाजी महाराज। ये देखो यहाँ पर आप शिवाजी महाराज का फोटो देख सकते हो, सिक्स नंबर शिवाजी महाराज। एंड लास्ट, द किंग हु फाउट द बैटल ऑफ हिडेस्पस जैसे झेलम विथ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही वॉज पोरस। दिस इज द लास्ट आंसर। सो दिस वॉज अवर लेसन नंबर 59, द ग्रेट किंग्स ऑफ इंडिया। Now we will learn our last lesson of today's video. There is a 60 number lesson, World Sobriquets. यहाँ पर आपको help box भी दिया हुआ है। Sobriquets means nicknames. There are certain places that have special names. These are called sobriquets. Identify the actual name of the given sobriquet or nickname. First, द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को एक और नाम से जानते हैं, जैसे द लैंड ऑफ कंगारूज, मतलब कंगारू जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलता है। सेकंड, द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, नॉर्वे, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, और नॉर्वे को एक और नाम से जानते हैं कि उसे रात के समय का सूरज, इस नाम से उसे जानते हैं, जैसे सनराइज कंट्री जिसे हम जैसे जापान को जानते हैं, उसी तरह से नॉर्वे भी मिडनाइट सन वहाँ पर देखने को मिलता है। थर्ड, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान, मतलब दुनिया में सबसे पहले जो मॉर्निंग होती है या सनराइज जो होता है वो ऐसा कहा जाता है कि वो पहले जापान में होता है। फोर्थ, द लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट, थाईलैंड, मतलब पूरी दुनिया में वाइट एलिफेंट जो होते वो थाईलैंड में देखने को मिलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, डेनमार्क। डेनमार्क ऐसी कंट्री जहाँ पर कैटल्स, काउज एंड अदर जो एनिमल्स है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए उनको मदर इन लॉ ऑफ यूरोप ऐसा कहा जाता है। देन सिक्स, द बैटल फील्ड ऑफ यूरोप, बेल्जियम, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो
जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे हम बोलते हैं कि नुकसान हुआ, या फिर जहाँ सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े गए, जो वॉर्स जहाँ पे लड़े जाते हैं वो है या लड़े गए वो यूरोप की कंट्री है बेल्जियम। 7 नंबर द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, मतलब सबसे ज़्यादा यूरोप में जहाँ टूरिस्ट कंट्री जो कही जाती है वो स्विट्ज़रलैंड है, और उसी वजह से स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का प्ले ग्राउंड कहा जाता है। 8 द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, वो है सैन फ्रांसिस्को USA। सो स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड आवर लेसन नंबर 57 मशीन लेस, लेसन नंबर 58 लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया, लेसन नंबर 59 द ग्रेट किंग्स ऑफ इंडिया, एंड लेसन नंबर 60 वर्ल्ड सोब्रिकेट्स। थैंक यू।